वेलकम बैक, मैं हूं शान। आई होप यू ऑल गुड एंड फाइन। तो फाइनली आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के अवर एनवायरनमेंट चैप्टर के बारे में। इसमें मैं आपको पूरा डिटेल करने वाला हूं आज एनसीईआरटी से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कराऊंगा, कुछ हाईलाइट कराऊंगा और इस चैप्टर से आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया। और इस चैप्टर के नोट्स आपको मैं यही बनवा दूंगा हैंड टू हैंड, क्योंकि मैं जो अंडरलाइन करूंगा वही आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। जो भी मैं चीजें लिखूंगा वो सारी आप नोटबुक में अपनी लिख लेना। फिलहाल अभी के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक ले लो हाथ में और एक पेंसिल ले लो, इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करते चलेंगे और बाकी पूरा चैप्टर तो मैं आज आपको समझाऊंगा। तो ये हमारा अवर एनवायरमेंट आज का जो सीरीज का हमारा पहला टॉपिक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर के इंट्रो में कि ये चैप्टर है क्या। चैप्टर का नाम है अवर एनवायरनमेंट। तो इसमें हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड बात हो रही है, जो भी चीज हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, ठीक है। एनिमल, प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म, इनका क्या क्या रोल होता है, ठीक है, सारी चीजें हम आज यहाँ पर बात करने वाले। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, न्यूट्रिशन, इसमें हम ए टू जेड सारी चीजें बात करेंगे। इकोसिस्टम हो गया, फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, तो टोटल मैं आपको पूरा डिटेल करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे मेन हेडिंग जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। ये हमारी पहली हेडिंग है इस चैप्टर की। तो लेट्स स्टार्ट। ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि सारे ऑर्गेनिज्म सच एज जो भी आप सराउंड में देखते हो, प्लांट देखते हो, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है हमारे सराउंड में, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट विद ईच अदर। इसमें फिजिकल सराउंडिंग का मतलब ये है कि इसमें अबायोटिक के बारे में भी बात करी गई और बायोटिक बारे में भी बात करी गई है। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं इकोसिस्टम क्या होता है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल में आपको बताऊं तो अबायोटिक और बायोटिक, तो बायोटिक प्लस अबायोटिक, ठीक है, बायोटिक प्लस अबायोटिक या लिविंग, ठीक है, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, लिविंग प्लस नॉन लिविंग। नेक्स्ट क्या है, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इज एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, मतलब अबायोटिक ऑफ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। दस इकोसिस्टम कंसिस्ट, इकोसिस्टम जो होता है बायोटिक कंपोनेंट कंपेरिजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक कंपोनेंट कंपेरिजिंग फिजिकल फैक्टर लाइक द टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉयल और मिनरल। तो इकोसिस्टम मैंने आपको बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये बताया कि जो आपका इकोसिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है अबायोटिक, ठीक है, और बायोटिक और अबायोटिक, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग जब आपस में आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज यूज टू मेंटेन द बैलेंस, जो कि बैलेंस मेंटेन करके रखे एनवायरमेंट के साथ। बैलेंस नहीं होगा, अगर एक चीज कम हो जाएगी, एक चीज बढ़ जाएगी, एक चीज बढ़ जाएगी, एक चीज कम हो जाएगी, वहां पर आपका इकोसिस्टम नहीं होता है, इट शुड बी द बैलेंस्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये यहां से आप लिख लेना, ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीजें आप यहाँ से अपनी कॉपी में लिख लेना अगर आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन वगैरह अगर, ठीक, ये मैंने कुछ हाईलाइटेड कर दिया। ओके ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं एक्चुअली इकोसिस्टम है क्या। फॉर एग्जाम्पल इफ यू विजिट अ गार्डन, अगर आपने गार्डन एक बार विजिट करा है, ठीक है, यू विल फाइंड द डिफरेंट प्लांट, ठीक है, अगर आप गार्डन विजिट करोगे तो आपको डिफरेंट प्लांट मिलेंगे, सच एज द ग्रासेस, ट्रीज, फ्लावर, बियरिंग प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, एनिमल, ओके, फ्रॉग, इंसेक्ट, बर्ड, सारी चीजें हैं। ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटी आर अफेक्टेड बाय द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इको सिस्टम, ठीक है। तो जैसे ही जब आप गार्डन में जाते हो, ठीक है, या जब आपने गार्डन में विजिट करा हो, तो आपको वहां पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलती है, जैसे ट्रीज भी मिलेंगे आपको वहां पर, फ्लावर मिलेंगे, रोज, जैस्मिन, ठीक है, और कुछ इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, कुछ फ्रॉग मिलेंगे, कुछ बर्ड्स भी मिलेंगे। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर डिपेंड होते हैं, कुछ अबायोटिक चीजें डिपेंड होती हैं, और इनकी वजह से जो इनके बीच में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो इनकी ग्रोथ होती है, सारी एक्टिविटी जो है वो इफेक्ट होती है और जो कि इकोसिस्टम में लाई करती है, ठीक है। तो गार्डन इज एन इकोसिस्टम, तो गार्डन क्या है, एक तरीके का इकोसिस्टम है, ठीक है। अदर टाइप ऑफ द इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या है, फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक्स, ठीक है, दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम। अगर आपसे पूछे कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक। अगर कोई आपसे बोले कि मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है, तो ये आपका आ जाएगा गार्डन,
क्रोफिल, ठीक है। एक्वेरियम भी आपका जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आता है। ये एक एक्टिविटी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, एक बार इस एक्टिविटी को गो थ्रू कर लेते हैं। यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम, लेट अस ट्राई टू डिजाइन वन। तो यहाँ पे हमें एक एक्वेरियम सॉरी डिजाइन करना है, हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी या क्या क्या चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी एक्वेरियम को बनाते वक्त। द फिश, ठीक है, फिश चाहिए होगी एक्वेरियम में हमारी जो है वो फिश चाहिए होगी। नेक्स्ट, ठीक है, फिश चाहिए होगी। नेक्स्ट ओके, एक बड़ा जार चाहिए, वाटर चाहिए इसमें, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दे देंगे हम यहाँ पर। ओके, फूड दे देंगे, ठीक है, वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू द ऑक्सीजन पंप एंड फिश फूड विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक एक्वेरियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट की चीज क्या चाहिए हमें, इफ यू एड फ्यू एक्वेटिक प्लांट, तो हम यहाँ पर प्लांट भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इस एक्वेरियम में हम छोटे छोटे प्लांट भी ऐड कर रहे हैं। ओके, इट कैन बिकम द सेल्फ सस्टेन सिस्टम, कैन यू थिंक हाउ इट इज हैपन, एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन मैनमेड इकोसिस्टम। तो एक हमने ह्यूमन मैनमेड इकोसिस्टम बना लिया एक्वेरियम का, जिसमें हमने ट्री भी रखा, ठीक है, ट्री मतलब छोटे छोटे से प्लांट हो गए हैं, ठीक है, फिश, ठीक है, और यहाँ पर हमने उनके लिए खाना वाना सारी चीजें रख दिया, छोटे छोटे एनिमल रख दिए, पानी वाले जो एनिमल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक सेल्फ सस्टेन इकोसिस्टम बन गया। कैन वी लीव द एक्वेरियम सच एज वी सेटअप, क्या हम इस एक्वेरियम को ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने बनाया है। वाई डज इट हैव टू बी क्लीन वंस इन अ वाइल, ठीक है, क्यों हमें इसको क्लीन करना पड़ता है एक बार, एंड डू वी हैव टू क्लीन द पॉन्ड्स और द लेक, हमें पॉन्ड्स और लेक को क्लीन करना पड़ता है क्या, नहीं, क्योंकि पॉन्ड्स और लेक ऑटोमेटिक क्लीन होती रहती है, उसमें रनिंग वाटर होता रहता है। सपोज करो ये एक्वेरियम है और इसमें कोई फिश यहाँ पर मर गई है, तो फिश मर गए तो यहाँ पर जो है जो डेड जो यहाँ पर हमारी फिश हो गई है, ठीक है, उनको भी आगे सिंपल में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। मतलब जब भाई नेचर का रूल क्या है कि जो चीज है वो आगे प्रोसेस होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये खुद से साफ नहीं होने का, ये हमें खुद से साफ करना पड़ेगा। वी हैव सीन इन अर्ली क्लासेस दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है, हमने जो है वो अर्ली क्लासेस में देखा था कि ऑर्गेनिज्म को जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डीकम्पोजर में ग्रुप करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सब्सटेंस फ्रॉम द, अब देखो अब ये नया फेज चालू हुआ यहाँ से। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डीकम्पोजर की, ये किस चीज में मतलब इनको डिवाइड करा गया है कि जिस फॉर्म में ये अपना खाना लेता है, कि जिस मैनर में ये अपना खाना ऑब्टेन करता है, ठीक है। एक होता है हमारा प्रोड्यूसर, ठीक है, एक होता है हमारा कंज्यूमर और एक होता है हमारा डीकम्पोजर, एक होता है हमारा प्रोड्यूसर, एक होता है हमारा कंज्यूमर और एक होता है हमारा डीकम्पोजर। ये अपना खाना जो है वो अलग मैनर में लेते हैं, जैसे कि लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेन इकोसिस्टम। अभी हमने सेल्फ सस्टेन इकोसिस्टम पढ़ा थोड़ी देर पहले, ठीक है, हमने एक एक्वेरियम बना दिया था, ठीक है, उसमें सारी चीजें रख दी, वो अपना आराम से चल जाता है एक्वेरियम, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो गया था। Which organisms can make organic compound like sugar and starch from the inorganic substance using the radiated energy of the sun in the presence of the chlorophyll? ठीक है, जो producer होते हैं वो produce करते हैं, ये वही organism है, ठीक है, ये वही चीज है जो अपना खाना energy की help से मतलब sunlight की help से बनाती है। मतलब chlorophyll हो गया, जिसमें हमारा क्या क्या need है खाना बनाने के लिए, plants H2O plus carbon dioxide और एक सन की एनर्जी, ठीक है, धूप, कोई मिल गया में जो जादू था वो, ठीक है, उसे धूप चाहिए थी एनर्जी बनाने के लिए, ऐसे ही हमारे प्लांट जो है इनको भी जो है खाना बनाने के लिए धूप चाहिए, पानी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। ओके, सो ऑल ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं यार जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, एल्गी कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। एल्गी हम बैक्टीरिया तो नहीं ले सकते, पर हाँ एल्गी एक माइक्रो होता है, ठीक है, जिससे माइक्रो की हेल्प से हम उसे देख पाते हैं। बाकी कुछ बैक्टीरिया भी हैं विच कैन प्रोड्यूस, ये जो एल्गी होता है ये प्लांट की स्पीशीज में आता है, ये बात ध्यान रखना। विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय द फोटोसिंथेसिस कम अंडर द कैटेगरी कॉल्ड द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, कैन मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस विच इज कम इन द प्रोड्यूसर। तो अगर प्रोड्यूसर के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर ये सारी चीजें कोई दिक्कत वाली। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं,
ऑर्गेनेल्स डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेन. जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड है, ठीक है, या तो डायरेक्टली होंगे या इनडायरेक्टली होंगे अपने सस्टेन के लिए, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए. दीज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोडक्ट आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर आर कॉल्ड द कंज्यूमर. ठीक है, देखो कंज्यूमर में कुछ ऐसे होते हैं जो खुद प्रोड्यूसर पर भी डिपेंड है और आधे कंज्यूमर कंज्यूमर पर भी डिपेंड है. जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कंज्यूमर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, ठीक है, आई थिंक 3 ही है, हाँ ठीक है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और पैरासाइट. ठीक है, ये 4 हो गए, ठीक है, मेनली 3 होते हैं, ठीक है, पैरासाइट हम एक्चुअली लेते नहीं है, बाकी मेनली 3 होते हैं. जस्ट अ मिनट, यस मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ और आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताता हूँ एक्चुअली मेन चीज है क्या ये वाली. ठीक है, ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करी हमने, कंज्यूमर, कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर क्या, जो कंज्यूम करेंगे. अब कुछ होता है जो प्लांट को खाते हैं, ठीक है, या फिर ग्रास वगैरह को खाते हैं, वो होते हैं आपके हर्बीवोरस. होते हैं हर्बीवोरस, ठीक है. नेक्स्ट कार्निवोरस, नेक्स्ट क्या होते हैं आपके, कार्निवोरस. नेक्स्ट क्या होते हैं आपके, कार्निवोरस. फिर होते हैं आपके ओमनीवोरस, ठीक है. ओमनीवोरस मतलब जो दोनों, ठीक है, जो मतलब नॉन वेज वेज टाइप के जो होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं. ओमनीवोरस का एग्जांपल होती है कैट, ठीक है, ठीक है, वो ओमनीवोरस में आते हैं. कार्निवोरस जैसे लायन हो गया, ये हर्बीवोरस ये जैसे डियर हो गया, ठीक है, ये हमेशा प्लांट वगैरह ही खाते हैं, ठीक है, घास फूस वगैरह ही खाते हैं, ठीक है. तो इनको मैंने क्लासिफाइड कर लिया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, और पैरासाइट क्या होते हैं, जो खून पीते हैं, जैसे कि आपके ये मॉस्किटो हो गए. ओके, इमेजिन द सिचुएशन वेयर डू यू क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट हैव डाइड. ओके, हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाइड. अच्छा, सपोज करो भी हमने कुछ टाइम पहले एक्वेरियम बनाया था, अभी ठीक है थोड़ी देर पहले, उसमें अगर कोई फिश मर जाए या कोई प्लांट मर जाए तो क्या होगा उस मरे फिश का, मरे प्लांट का. ओके, देखते हैं, द ऑर्गेनिज्म, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंपैरिजन, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेनिंग एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द डीकंपोजर. ओके, अब हमने बात करी, देखो अब मजा आएगा, प्रोड्यूसर की हमने बात कर ली, जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट वगैरह हो गए, ठीक है, ये हमारे जो है प्रोड्यूसर हो गए. कंज्यूमर क्या था, जो प्रोड्यूसर को खाएंगे, ठीक है. फिर हमने कंज्यूमर को डिवाइड कर, हर्बीवोरस जो प्लांट वगैरह को खा लेंगे, कार्निवोरस जो अगेन हर्बीवोरस को खा लेंगे, और ओमनीवोरस जो मतलब कि प्लांट वगैरह भी खा लेते हैं, और ठीक है जो कार्निवोरस की कैटेगरी में भी आता है, जो हर्बीवोरस की कैटेगरी में आता है. नेक्स्ट, अब हम इनसे ऊपर उठ चुके हैं थोड़े से, और अब हम बात करने वाले डीकम्पोजर के बारे में, ठीक है. तो मैं इस चीज को थोड़ी सी हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डीकम्पोजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में आता है, ठीक है. तो नेक्स्ट बात करते हैं हम डीकम्पोजर के बारे में. ओके, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें क्लियर हुई, ठीक है. ओके, यहां बात करने वाला है कि डीकम्पोजर एक्चुअली है क्या, ठीक है. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द डीकम्पोजर एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू द सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है, मतलब सपोज करो जो फिश मर गई एक्वेरियम में, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक्वेरियम में, यहाँ पर जैसे फिश मर गई, ठीक है, ये फिश डाइड हो गई. अब ये फिश जो डाइड हो गई ना, आपने देखा होगा कि जब कोई चीज मर जाती है तो उसमें कीड़े वीड़े से लग जाते हैं, ठीक है, वो उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं, वो डीकम्पोजर होते हैं. वो क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं जो कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलर में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे आपने देखा होगा किसी चीज को आप जमीन में, ठीक है, गाड़ दो, ठीक है, जो चीज मर गई है उसको जमीन में आपने दबा दिया, अब कुछ टाइम बाद देखोगे तो वहां पर उसकी जो है बोन्स वगैरह रह जाते हैं, हड्डी वगैरह रह जाते हैं, बाकी मेन चीज वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो बैक्टीरिया ने उसको खा लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया. अब आप कहते हैं कि कोई चीज मर गई, हमने उसको जमीन में दबा दिया, तो वो पेट्रोल बन जाती है, ऑयल बन जाती है, कोई भी तरीके का मिनरल बन जाती है, यस, विद द हेल्प ऑफ द डीकम्पोजर. अगर डीकम्पोजर ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है. आगे हम ये पढ़ने वाले कि डीकम्पोजर अगर ना हो तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज और डेड एनिमल इन द प्लांट इन द एब्सेंस. अगर डीकम्पोजर एब्सेंट हो गए, खत्म हो गए, डीकम्पोजर ना रहे तो क्या होगा, विल द नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ द सोइल टेक प्लेस.
इवन डीकम्पोजर आर नॉट देयर, नो नेचुरल रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि खाद बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है, जो ग्रीन डेड प्लांट मर जाते हैं, ठीक है, या फिर जो एनिमल मर जाते हैं उनको हम जमीन में जब दबा देते हैं तो खाद बच जाती है। खाद किसकी वजह से बनती है? डीकम्पोजर की वजह से, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में ब्रेक डाउन कर देते। तो डीकम्पोजर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये वाला पैराग्राफ आपको जरूर करके चलना है, ये वाला पूरा हाथ से लेकर एंड ऑल राइट, ये वाला आपको पूरा यहाँ पर करके चलना है। इतनी बातें क्लियर हुई क्या? हमारी इतनी बातें क्लियर हो रही है? ऑल राइट, नेक्स्ट बात अब हम स्टार्ट करने वाले फूड चैन एंड फूड वेब। एक्चुअली फूड चैन और फूड वेब होता क्या? बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा। देखो फूड चैन मतलब खाने की एक चैन चल रही है। डायग्राम में देखो सबसे पहले, थ्योरी में भी बता दूंगा। यहाँ पे प्लांट है आपके, जो है प्लांट, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पर कि इस प्लांट को कौन खाएगा? डियर। डियर को कौन खाएगा? टाइगर या लायन? लायन या टाइगर, ठीक है। तो आपने देखा चैन सी चल रही है, इसको 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 इसने खाया, फिर इसको इसने खाया, फिर इसको भी आगे जो है वो डीकम्पोजर खाएंगे। तो एक तरीके की चैन चल रही है यहाँ पर, सीरीज चल रही है ना। तो वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनादर। दिस सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट एट द वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म ऑफ फूड चैन। तो फूड चैन जो होती है बायोटिक लेवल पर होती है, ठीक है। हमारी जो फूड चैन होती है वो हमारी बायोटिक लेवल पे होती है, जो एक अच्छी चैन बनाती है, ठीक है। जैसे कि आगे हम यहाँ पर और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चैन फॉर्म द ट्रॉपिक लेवल। अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअली ट्रॉपिक लेवल होता क्या है। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, तो इसमें एक चैन बन जाती है, इट विल फॉर्म द चैन, ठीक है। अब वो चैन को हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं कि सबसे लोअर लेवल पर कौन है, उससे ऊपर लेवल पर कौन है, उसके ऊपर लेवल पर कौन है, और सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर कौन है। एक चीज मैं आपको बता दूं, टॉप मोस्ट लेवल पर ह्यूमन बींग्स आते हैं हमेशा, ठीक है। द ऑटोट्रॉप और द प्रोड्यूसर, ठीक है, आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉपिक सबसे इनिशियली जो आते हैं वो आपके जो है ऑटोट्रॉप्स आते हैं प्लांट, ठीक है। और सबसे जो टॉप मोस्ट पे होता है हायर लेवल पे वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है। उसके मिडिल में देखते हैं कौन कौन आता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर सबसे पहले आता है, ठीक है। प्रोड्यूसर सबसे पहले आता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो प्रोड्यूसर होते हैं, जस्ट अ मिनट एक सेकंड, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा होता है? जो प्रोड्यूसर को खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर आर दोस्त हु ईट प्रोड्यूसर, तो वो कौन से होते हैं? प्लांट को कौन खाता है? डियर, ठीक है। प्लांट, सॉरी जस्ट अ मिनट, प्लांट को कौन खाता है? डियर, ठीक है। प्लांट को कौन खाता है? डियर। फिर डियर को अगेंस्ट किसने खाया? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा होता है? लायन, ठीक है। डियर को फिर लायन, और टर्शरी में आता है आपका हॉक या वल्चर। जो लॉयन जैसे मर गया तो लॉयन को फिर जो है वल्चर ने खा लिया, या फिर वो बैक्टीरिया, या फिर वो डीकम्पोजर इससे अपर लेवल पे आएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, एक्चुअली मेन चीज है क्या? द ऑटोट्रॉफ और प्रोड्यूसर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल दे फिक्स द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द हेटरोट्रॉप और द कंज्यूमर। ये क्या करते हैं? इनके पास सोलर एनर्जी से ये अपना फूड बना लेते हैं, जो कि अवेलेबल होता है कहां पर? जो कि अवेलेबल होता है कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कि हर्बीवोरस जो होते हैं, डियर हो गया जैसे, ठीक है। द हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर कम एट द सेकंड, ठीक है। स्मॉल कार्निवोरस सेकेंडरी एंड थर्ड कार्निवोरस इज द, ठीक है, टर्शरी। जो लायन को भी कोई खाता होगा यार, ठीक है, सपोज करो कि लायन को काफी ज्यादा, ठीक है, एक लायन था उसको काफी ज्यादा मतलब वल्चर्स ने मिलकर घेर लिया या हॉक ने मिलकर घेर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसने इसको खा लिया, ठीक है। तो ये सॉरी, ये एक तरीके की चैन चलती रहती है, ठीक है, इस तरीके की। इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, तो एक तरीके की फूड चैन चलती रही। तो वी नो डैट द फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल। हमें सब पता है कि फूड जो हम खाते हैं वो एक तरीके का फ्यूल का काम करता है, ठीक है, टू प्रोवाइड अस द एनर्जी, हमें एनर्जी प्रोवाइड रखता है। Thus, the interaction among the various component of the environment involve the flow of the energy. Energy flow होती है, ठीक है। जैसे कि प्लांट था, प्लांट था, प्लांट को फिर किसने खाया? डियर ने। फिर डियर को किसने खाया? लॉयन।
यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। आप ये देख सकते हैं प्लांट को डियर ने खा तो डियर को ताकत मिल गई, डियर को फिर लॉयन ने खाया तो लॉयन को ताकत मिल गई। ठीक है, तो द फ्लो ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द वन कंपोनेंट टू द अनादर, तो एनर्जी फ्लो होती रहती है एक कंपोनेंट से अनादर कंपोनेंट में। एज वी स्टेटेड ऑटोट्रॉफ कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो एनर्जी कहां से लेते हैं, सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, एंड कन्वर्ट इन टू द केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, दिस एनर्जी सपोर्ट ऑल द एक्टिविटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, हम भी प्लांट के हेल्प से ही जिंदा है, हम प्लांट से सब्जियां फल वगैरह लेते रहते हैं और वही हम खाते रहते हैं, तो उनसे हमें एनर्जी मिलती रहती है। ओके, फ्रॉम ऑटोट्रॉफ द एनर्जी गोज टू द हेटरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ से कहां जाती है एनर्जी, हेटरोट्रॉफ पे जाती है, फिर डीकम्पोजर पर जाती है। ठीक है, टू द हेटरोट्रॉफ एंड डीकम्पोजर। हाउएवर वी सेड दैट द प्रीवियस चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज टू द अनदर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी चेंज होती रहती है, सब एनर्जी लॉस, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है एनवायरमेंट में, ठीक है, और कुछ दोबारा यूज नहीं हो सकती फिर वो एनर्जी। ठीक है, तो इसमें ये चीजें बताया हुआ है। अब यहाँ पर हम 10% लो, तो लो जो था हम वो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। एक्चुअली मेन चीजें अभी हमने क्या पढ़ी है कि पहले जो है प्रोड्यूसर आता है, फिर कंज्यूमर आता है, फिर आपका डीकम्पोजर आता है। ठीक है, प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी, ये कंज्यूमर के टाइप है, क्योंकि कंज्यूमर के भी अलग अलग लेवल होते हैं, ऐसे नहीं कि जो है कंज्यूमर एक ही होगा, काफी डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जैसे आपका प्लांट है, इसको इंसेक्ट ने खाया, देखो यहाँ पर भी, देखो यहाँ पर भी कितने टाइप के कंज्यूमर है, इंसेक्ट ने इसको लिया, फिर फ्रॉग ने इसको खाया, फिर स्नेक ने इसको खाया, फिर इसने जो है वल्चर या हॉक ने स्नेक को ही खा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से देखो डिफरेंट टाइप ऑफ द कंज्यूमर होते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर एक ही टाइप का, बट यहाँ पर देख सकते हो, सॉरी यहाँ दो टाइप के, बट यहाँ पर देख सकते हो 3-4 लेवल है कंज्यूमर भरे पड़े। ठीक है, ओके, अब 10% पर बात करते हैं। 10% एनर्जी क्या है, द ग्रीन प्लांट्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर द 1% ऑफ द एनर्जी। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो बस 1% एनर्जी लेते हैं। सपोज करो कि सन है, ठीक है, सन ने जो एनर्जी दी वो दी है आपको 10,000 जूल, तो जो सन ग्रीन प्लांट जो सन से एनर्जी लेंगे वो उसका खाली 1% लेंगे, डेट विल बी द 100 जूल। ठीक है, जो प्लांट के पास जो एनर्जी आई वो प्लांट 100 जूल ले लेगा। अब इस प्लांट को किसने खाया, डियर ने, तो डियर के पास कितनी एनर्जी गई, 10%, 1% आते इनिशियल लेवल पर, बाकी फिर 10% होती है। ठीक है, डियर के पास कितनी आ गई, 10 जूल। इतनी बात तक क्लियर हुई, डियर के पास कितनी आ गई, 10 जूल। फिर डियर को, ठीक है, फिर लॉयन खा लेगा, लॉयन के पास कितनी चली जाएगी, 10 जूल का 10% कितना होगा, 1 जूल। तो इस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है। जैसे कि व्हेन ग्रीन प्लांट ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस। ठीक है, ग्रेट डील ऑफ एनर्जी लॉस होती है एनवायरमेंट में, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी डाइजेशन में चली जाती है, कुछ काम करने में चली जाती है, और रेस्ट जो है वो ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में। तो एन एवरेज 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट। तो खाली 10% ही फूड बचता है जो नेक्स्ट लेवल पर, 10% ऑफ द एनर्जी बचती है जो नेक्स्ट लेवल पर जाती है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट लेवल कहाँ से, प्लांट को डियर ने खाया, तो डियर पर 10%, ठीक है, सॉरी डियर को प्लांट ने खाया, उल्टा बोल गया मैं, डियर को प्लांट ने खाया 10%, फिर लॉयन ने डियर को खाया, ठीक है, वो फिर 10%, तो वो खाली 10% ऐसे जाते हैं। Therefore, 10% take the average, तो हमने एवरेज वैल्यू ले ली कि 10% ही हायर लेवल पर पहुंच पाती है, नेक्स्ट स्टेप पर एनर्जी पहुंच पाती है। सिंस सो लिटिल एनर्जी, बहुत ही लिटिल एनर्जी है, 10% अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जब 3-4 स्टेप पर जब आगे चली जाती है, सपोज को लॉयन को भी किसी और ने खा लिया, उसको भी किसी और ने खा लिया, तो एनर्जी क्या बहुत छोटी सी रह जाती है, बहुत थोड़ी सी रह जाती है। द लेंथ ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ द इंडिविजुअल, द लोअर द ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर। द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन वेरी ग्रेटली। अब फूड चेन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हमने फूड चेन पढ़ लिया क्या क्या था, कि एक को दूसरा खाता, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, इस तरीके से ऐसी चेन बनती रहती है। ठीक है, हमारे एनवायरमेंट के अंदर, जो कि ओनली बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या बात करी, टू और मोर काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इज टर्न आर ईटन बाय द सेवरल ऑर्गेनिज्म। सो इंस्टेड ऑफ द स्ट्रेट फूड चेन, ठीक है, रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ द ब्रांचिंग कॉल्ड द फूड वेब। अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअली फूड वेब होता क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यार फूड चेन में क्या है, एक सीरीज होती है। ठीक है, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, एक सीरीज चलती है। पर फूड वेब में क्या होता है, वेब का मतलब जाला होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, एक जाले की तरह होता है। ठीक है, मतलब इसको ये भी खा सकता है, 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 मतलब एक तरीके का वेब बनता है। वेब मतलब इसमें म्यूचुअली, ठीक है, इंटरेक्शन होता है। म्यूचुअल इंटरेक्शन कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ द स्ट्रेट फूड चेन द रिलेशन कैन बी शोन
एस सीरीज होता है ब्रांचिंग लाइन, ठीक है। हम यहाँ पर ब्रांचिंग लाइन की तरह हम यहाँ पर सीरीज देख पा रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पर देखो, ये एक प्लांट था, ठीक है, छोटा सा, ठीक है। इसको इसको यहाँ पर देखो, इन्होंने खा लिया, कुछ इंसेक्ट हैं, फिर इन इंसेक्ट को, ठीक है, बर्ड ने खा लिया, फिर बर्ड को स्नैक ने खा लिया, स्नैक को फिर हॉक ने खा लिया। इसी तरीके से कुछ हैं, इसको इसने भी खा लिया, ठीक है। स्नैक देखो किस किस को खा सकता है, चूहे को भी खा सकता है, स्नैक फ्रॉग को भी खा सकता है, बर्ड को भी खा सकता है, ठीक है। शेर देखो किसको खा सकता है, शेर डियर को भी खा सकता है, ठीक है। और शेर हमारा यहाँ पर, ठीक है, इस बर्ड को भी खा सकता है। ये बर्ड किसको खा सकते हैं, फिश को, ठीक है। फिश किसको खा सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट को। तो इस तरीके से इसमें आपस में किसी को कोई भी खा रहा, देखो एरो कैसे जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं। फ्रॉम द एनर्जी डायग्राम टू थिंग बिकम क्लियर। फर्स्टली द फ्लो ऑफ द एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। जो इसमें फूड वेब में क्या है, फ्लो ऑफ द एनर्जी जो है ना वो यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। और नेक्स्ट, द एनर्जी डेट इज द कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर, ठीक है। अब जो एनर्जी ऑटोट्रॉप ने ले ली, वो एनर्जी सोलर को थोड़ा दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ठीक है। विच ओके 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 नेक्स्ट ओके विच पास द हर्बीवोरस डज नॉट कम बैक ऑटोट्रॉप मूव्स ग्रेटली। ये थोड़ा सा ऐसी बता हुआ है, यहाँ पर एक बार आगे मूव करते हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड चैन, अब फूड चैन में क्या होता है, अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है कि कुछ हार्मफुल केमिकल बॉडी में एंटर कर जाता है थ्रू द फूड चैन। सपोज करते हैं कि प्लांट के अंदर पेस्टिसाइड डाला हुआ है, मतलब कुछ हार्मफुल केमिकल वगैरह, ठीक है, हमने ह्यूमन बींग्स में डाल दिए। अब उस प्लांट को किसने खा लिया, डियर ने, तो वो जो हार्मफुल केमिकल है वो डियर के अंदर पहुंच गए। अब उस डियर को भी, ठीक है, जो है टाइगर ने खा लिया, अब वो टाइगर के अंदर ही पहुंच गए हार्मफुल केमिकल, ठीक है। तो वन ऑफ द रीजन टू यूज द सेवरल पेस्टिसाइड अदर केमिकल टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द डिसीज एंड पेस्ट, दिस केमिकल आर आइदर वेस्टेड डाउन इनटू द सोइल और टू द वाटर बॉडीज, ठीक है। इसी चीज को ही बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जो ये जो इम्प्योरिटी, जो मतलब पॉइजन वगैरह ट्रांसफर होते रहते हैं बॉडी टू बॉडी, ठीक है। फ्रॉम द सोइल दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, ठीक है, अलॉन्ग विद द वाटर एंड मिनरल्स। फ्रॉम द वाटर बॉडीज आर टेकन बाय द एक्वेटिक प्लांट। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, सनलाइट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस से फिर ऊपर आ जाएगा आपका, ठीक है। बाकी सबसे टॉप हाई लेवल पे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ठीक है। बाकी टॉप कार्निवोरस में आपका मेनली आप देख सकते हैं कि काफी लेवल की फूड चैन होती है, कोई कोई दो तीन लेवल की होती है, कोई कोई पांच छह लेवल की भी। दिस इज वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर द फूड चैन एज द केमिकल आर नॉट डिग्रेडेबल। वो केमिकल डिग्रेडेबल नहीं होते, पचते नहीं है वो। These get accumulated progressively each of the tropic level. तो वो जमा होते रहते हैं हर एक लेवल पर, कम फिर ज्यादा as human being occupy the top level of the food chain, the maximum concentrated of the these chemical get accumulated in our body. This phenomena is known as a biological magnification. That is the most important part है आपके जो है वो chapter का, आपके exam के लिए काफी ज्यादा important part है, ठीक है। जो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई भी ऐसा खराब सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी पॉइजन्स वगैरह, जब फूड चैन के थ्रू एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर एक्युमुलेटेड होता रहता है, ईस्ट ट्रॉपिक लेवल में कंसंट्रेटेड होता रहता है, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। द रीजन इज दैट द फूड ग्रेन सच एज द व्हीट, राइस, वेजिटेबल एंड इवन मीट कंटेन द वेरिंग अमाउंट ऑफ द पेस्टिसाइड, ठीक है। जो हम पेस्टिसाइड वगैरह डालते रहते हैं ह्यूमन बींग्स, जो हम प्लांट में पेस्टिसाइड या फिर ये खराब चीजें जो डालते रहते हैं, इनकी वजह से होता क्या है कि एक ही अलग ट्रॉपिक लेवल पे गया, फिर अलग पे गया, फिर अलग पे, और घूम फिर के हमारे पेट के अंदर ही आनी चीजें, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स से भी हम चीजें लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो मीट वगैरह फिर कुछ मतलब कि ऐसे होते हैं जो, ठीक है, किसी एक लेवल को भी खा लेते हैं, ठीक है। तो मतलब घूम फिर के हमारे अंदर ही आती हैं चीजें। ओके, तो हम ह्यूमन बींग्स ने वैसे काफी अच्छी चीजें तो खरी नहीं है, खैर एनवायरमेंट के लिए हम खराब ही करते जा रहे हैं। वाटर ऑफ द ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, मैंने आपको बताया गिवन एग्जांपल होता है फूड चैन, एक एग्जांपल ऑफ फूड चैन का आप दे सकते हैं ऊपर, इसके डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल आप बता सकते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर, ठीक है, फिर आपका कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, जो उनको कंज्यूम करते हैं, फिर डीकम्पोजर होता है, फिर यहाँ पर आप जो है कंज्यूमर का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। रोल ऑफ द डीकम्पोजर, मैंने डीकम्पोजर का रोल आपको बताया, ये नेचुरल रिप्लेसमेंट का काम करते हैं। अगर डीकम्पोजर ना हो तो, ठीक है, जो नेचुरल रिप्लेसमेंट है वो नहीं हो सकता है और काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बॉडीज मर जाते, कोई डेड प्लांट हो जाता है, तो उनको सिंपलर में ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कोई ना कोई लेवल जरूर चाहिए, वो डीकम्पोजर बहुत अच्छे से संभाल पा रहे हैं।
डू अवर एक्टिविटी इफेक्ट द एनवायरनमेंट, कैसे हमारी एक्टिविटी एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है, तो बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है कितना पोल्यूशन ह्यूमन बींग कर रहे हैं, पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सोयल पोल्यूशन हो गया, हमने सब की फिकर लगा रखी है। तो आगे बात करते हैं, एक्चुअली है क्या, पहले हम ओजोन लेयर और ओजोन डिप्लीशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली हमने क्या कारण दबा करें, ओजोन लेयर को हम कैसे खराब कर रहे हैं। जो ओजोन होती है वो O3 होती है, ठीक है। O3 का एक मॉलिक्यूल होता है जो फॉर्मड होता है बाय द 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं O3, ठीक है। अब व्हाइल O2 विच इज नॉर्मली रिफर एज ऑक्सीजन, O2 जब ऑक्सीजन की तरह होती है, विच इज असेंशियल, जो कि बहुत ज्यादा असेंशियल है सारे ही फॉर्म ऑफ द जो लिविंग है सबके लिए ही, ठीक है। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, ओजोन जो है वो डेडली पॉइजन होती है, बट एट द हायर लेवल ऑफ द एटमोसफेयर के हायर लेवल पर होती है ये, ऊपर ओजोन परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये एक तरीके का शील्ड का काम करते हैं, जो सन की तरफ से जो मतलब अल्ट्रावायलेट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है, ठीक है, उनको जो है वापस भेज देता है। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है और यहाँ पर सन की तरफ से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, तो इन अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अंदर नहीं जाने देता है, या तो बाहर फेंक देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज नोन एज अ, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो क्या करती है, स्किन कैंसर भी कर देती है ह्यूमन बींग, तो ये तो अच्छी बात है, ओजोन हमें बचा रही है। तो ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमोसफेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द यूवी रेडिएट एक्टिंग ऑन O2, तो यूवी रेडिएट जो होते हैं वो O2 मॉलिक्यूल पर जब गिरती हैं, द हायर एनर्जी यूवी रेडिएट स्प्लिट द पार्ट ऑफ द O2 मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देती है फ्री ऑक्सीजन में, और ये जो फ्री ऑक्सीजन होती है ये अगेन जुड़ जाती है यहाँ पर जाकर, और ये अगेन O3 फॉर्म कर ले, तो ओजोन हमारी अपना बन जाती है। द अमाउंट ऑफ द ओजोन इन द एटमोसफेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली, बट अब इतनी देर में बनती है तो जल्दी से हम लोग खत्म भी कर देते हैं उसे। कैसे, हम क्या करते हैं, CFC गैसेज जो हमारे ACs वगैरह या फिर जो हमारे रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फ्रिज वगैरह में जो होती है वो गैसेज क्या करती हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, उसमें ओजोन लेयर को खत्म करना स्टार्ट कर देती है, छेद करना स्टार्ट कर देती है, विच इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट एंड द फायर एक्सटिंग्विशर में भी होती है। द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सक्सेसफुल इन फॉर्गिंग द एग्रीमेंट, ठीक है। अब इन्होंने कुछ प्रोग्राम तो चलाया था उस टाइम पर कि जी अब जो भी आगे जितनी भी चीजें बनेंगी वो CFC फ्री बनेंगी, क्योंकि CFC क्या कर रही है, दिक्कत कर रही है और वो ओजोन को खराब कर रही है, ठीक है। तो ये था ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से हो रही है, CFC गैसेज में की वजह से, जो हमारे ठीक है जो फायर एक्सटिंग्विशर ACs वगैरह की जो आउटलेट में या फिर जो रेफ्रिजरेटर के आउटलेट में जो निकलते हैं गैसेज। अब मेरे ख्याल से अब काफ़ी चीज़ें हो गई हैं सही, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बिना ही इन चीज़ों को बनाया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं 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 यूज़ हुई। अब बात करते हैं मैनेजिंग गार्बेज, जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं वो गार्बेज कैसे मैनेज करता है। हम गार्बेज जो प्रोड्यूस करते हैं वो एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसमें सबसे खराब गार्बेज जो होता है वो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक के अंदर पॉलीथीन बहुत ज़्यादा गंदी होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्चुअली क्या क्या है, वी हैव सीन इन द चैप्टर लाइफ प्रोसेस दैट द फूड वी ईट डाइजेस्ट, ठीक है। तो हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में देखा कि जो भी हम फूड करते हैं खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है एंजाइम के थ्रू, HCL हो गया, म्यूकस हो गया, ठीक है, ये सारे एंजाइम होते हैं जो उस पर लगते हैं हमारे खाने पर और हमारे खाने को जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं बढ़िया तरीके से, फाइल जूस वगैरह हो गया, ये सारी चीजें। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन द एवरीथिंग वी ईट, ठीक है, क्यों एक सेम एंजाइम एवरीथिंग को ब्रेक डाउन, हर चीज को ब्रेक डाउन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक एक्शन के लिए बने होते हैं। एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, स्पेसिफिक एंजाइम आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन द पर्टिकुलर सब्सट्रेट, ठीक है। अगर ये चीजें स्पेसिफिक एंजाइम है तो वो स्पेसिफिक चीज को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो प्रोटीन का एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा, फैट्स क्या है जो फैट का एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, स्टार्च का ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, तो ये सारी चीजें। दैट इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ईट कोल, ठीक है, जब हम कोयला खा लेंगे तो हमें कोई एनर्जी मिलेगी क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करने कोई एंजाइम है नहीं। बिकॉज ऑफ दिस मैनी मैन मेड मटेरियल लाइक द प्लास्टिक विल नॉट ब्रेक डाउन, प्लास्टिक जो ब्रेक डाउन नहीं होती, एक्शन बैक्टीरिया उस पर कितना भी एक्शन कर ले, ठीक है। दिस मैटर आर एक्टेड अपॉन द फिजिकल प्रोसेस, ये जो मेटेरियल होते हैं ये फिजिकल प्रोसेस से ही होते हैं वैसे, ठीक है, जैसे कि प्रेशर हो गया, काफी चीज होगी, बट अंडर द एम्बेड कंडीशन फाउंड इन द एनवायरमेंट परसिस्ट द लॉन्ग टाइम, ठीक है। बट ये एनवायरमेंट के अंदर काफी ज्यादा लंबे समय तक रह सकता है। अगर आप पिन्नी को अगर आप सोयल के अंदर दबा दो तो यार वो काफी टाइम तक रह सकते हैं, गलेगी नहीं पिन्नी, ठीक है। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन द बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू द बायोडिग्रेडेबल, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन करते हैं बैक्टीरिया वगैरह वो बायोडिग्रेडेबल होती है। हाउ मेनी सब्सटेंस यू आर बरीड बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, लाइक अब पेपर वगैरह हो गया, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं।
जो सबसे हम ब्रोक डाउन ना हो पाए, ठीक है, बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं और बहुत पोल्यूशन करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। एंड यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड द होल चैप्टर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, आई थिंक आई हैव डन। ठीक है, हमने सारी चीजें कर लिया, एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। व्हाट आर ओजोन, ओजोन आता है और कैसे, ये हाउ डज इट इफेक्ट एनी इकोसिस्टम, कैसे इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। हाउ कैन यू हेल्प विद द रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम द वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल का हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, इसको रिड्यूस, ये जो प्रॉब्लम आ रही है, हम यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल का अलग एक डस्टबिन बनाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल का अलग डस्टबिन बनाते हैं, फिर उनको अलग अलग तरीके से हम उनको जो है ट्रीट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है, गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने आपको चैप्टर पूरा रिवाइज करा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारी है, एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेना और एक बार कमेंट करके बताना कि आपको समझ आई है चीजें, मेरा जो हार्डवर्क है वो आपके लिए जो है कुछ यूजफुल रहा है। अगर रहा है तो एक बार लाइक वाइक जरूर करना यार, ठीक है, और बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर किस पर होना चाहिए। एंड यस, वी हैव डन, सारी चीजें हमने पढ़ ली है और नेक्स्ट चैप्टर बताना किस पर होना चाहिए हमारा, और लगातार वीडियोस आएंगी होपफुली और आपको समझ आ रहा होगा सारी चीजें, और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, ठीक है, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। और हाँ, हम ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे क्लास टेंथ के लिए। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।